हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन ट्वेल्व ऑफ योर बुक नेम्ड अ हाउस अ होम रिटन बाय लॉरिन हैली डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम मतलब हाउस और होम में क्या डिफरेंस है तो आपके लेसन में यही बताया गया है लेट्स स्टार्ट द लेसन वट इज़ अ हाउस इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन and wood that's hard some window glass and perhaps a yard its eaves and chimney and tile floors and stucco and roof and lots of doors matlab first para jo hai aapka usme bataye ki house kya hai to house bricks bricks means hota hai ईट stone stone मीन्स होता है पत्थर मतलब एक जो house होता है घर होता है वो ईट का बना हुआ होता है पत्थरों का बना हुआ होता है एंड हार्ड वुड मतलब एक सख्त लकड़ी या कठोर लकड़ियाँ उसमें लगी हुई होती है सम विंडो ग्लास कुछ खिड़की होती है कांच की वो भी उसमें होती है और यार्ड यार्ड मीन्स आंगन आंगन होता है जो घर के बाहर होता है ना तो पर मतलब किसी किसी घरों में यार्ड भी होता है और उसकी जो चिम ऊपर जो स्मोक को निकालने के लिए चिमनी लगी हुई होती है वो घरों में एंड इट्स इव्स इव्स किसे बोला जाता है जो वॉल पर लगी हुई होती है एंड फ्लोर से कैसी होती है वो रूफ़ से नीचे होती है तो उसको इस बोला जाता है तो वो भी उन घरों में होती है एंड टाइल फ्लोर्स मतलब वहाँ का जो फर्श होता है उस पर टाइल्स लगी हुई होती है एंड स्टकोइंट रूफ़ एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर्स वहाँ पर लॉर्ड्स ऑफ डोर्स मतलब बहुत सारे दरवाजे होते हैं और प्लास्टर होता है उनकी दीवारों और जो छत होती है उस पर प्लास्टर होता है तो मतलब उसे हाउस बोला जाता है नेक्स्ट पेरा व्हाट इज़ होम नेक्स्ट पेरा में आपको बताया गया है कि होम क्या होता है अभी हमने हाउस की डेफिनेशन देखी अब होम क्या होता है इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स मतलब होम उसे बोला जाता है जहाँ जो बहुत ही प्यारा होता है प्यारा सा परिवार वहाँ पर फैमिली होती है और जो एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर एंड मदर्स मतलब वहाँ पर कौन कौन होते हैं ब्रदर्स भी होते हैं भाई भी होते हैं सिस्टर्स बहनें भी होती हैं फादर्स मतलब पिता भी होते हैं और मम्मी मदर से नहीं माता भी होती है इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग और वहाँ पर जो लोग भी रहते हैं वो कैसे रहते हैं सब अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ एक दूसरे का काम करते हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं जो उनको नीड होती है उसकी है ना और काइंडली मतलब वो एक दूसरे को दया मतलब दया भाव से देखते हैं शेयरिंग की प्रॉपर्टी शेयरिंग करते हैं निस्वार्थ हर वर्क को करते हैं वो लोग एंड शोविंग योर लव्ड वंस योर ऑलवेज केयरिंग और वो अपने प्यार को कैसे दिखाते हैं उनकी केयरिंग करके मतलब जो लोग वहाँ पर रहते हैं फैमिली मेम्बर जितने भी होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं परवाह करते हैं तो उसे बोला जाता है होम ओके स्टूडेंट्स तो अब आपको होम और हाउस में डिफरेंस पता चल चुका है यहाँ पर आपका लेसन फिनिश होता है ओके स्टूडेंट्स बाय